डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक इट। आज हम इस टॉपिक में हाउ टू आंसर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इसके बारे में देखने वाले हैं। अगर मैं आपको झट से बोलता हूँ हाउ लॉन्ग डू यू प्ले एंड हाउ फार डू यू प्ले, इसमें क्या फर्क है? क्या आप मुझे झट से आंसर दे सकते हो? अगर मैं आपको पूछता हूँ हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्ले एंड हाउ ऑफन डू यू प्ले, तो इसमें क्या फर्क है? और अगर मैं आपको बोलता हूँ हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, लेकिन इन दो क्वेश्चंस में क्या फर्क है? अगर आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी है तो यू मस्ट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में ऐसे कई सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस देखे थे। मेरी आपसे विनती है, हमारी यह टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर फ्रॉम यू कैन स्पीक किट की सीरीज है। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और आपको हमारी प्लेलिस्ट सर्च करनी है और हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सिक्वेंस वाइज ही देखना है। और दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 आपको इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने ऐसी कई सारी सीरीज दी है, आपको वो सर्च करनी है और स्टेप बाय स्टेप भी आगे जाना है। अगर आपको कोई हाउ मेनी से सवाल करता है तो उसका आंसर आप कैसे दोगे, और अगर आपको कोई हाउ मच से सवाल करता है तो उसका आंसर आप कैसे दोगे। लेकिन यहाँ पे आपका कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू आंसर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन हमें यह देखना है इनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले यह क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, इसके बारे में हमें हमारी मातृभाषा से पहले समझ लेना होगा, तब आपका कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। कंसीडर करो आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं है और मैं आपके घर पे आता हूँ और हम कुएं के पास जाते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ उस कुएं में कितना पानी है, तो आप मुझे आंसर कैसे दे सकते हो? आप मुझे ऐसा नहीं बोलोगे सर 10,000 लीटर पानी है, 5,000 लीटर पानी है, ऐसा आंसर आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि उस कुएं का पानी आप गिन नहीं सकते हो, उसे मेजर नहीं कर सकते हो। तो आप मुझे यही आंसर दोगे सर उसमें कम पानी है, ज्यादा पानी है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपने आंसर कैसे दिया? तो मुझे अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाउ मेनी वाटर से पूछूंगा या हाउ मच वाटर से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है वह पानी आप गिन नहीं सकते हो, उसे मेजर नहीं कर सकते हो। तो मैं हाउ मच वाटर इज देयर, हाउ मच वाटर इज इन योर वेल, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि मुझे पता है हाउ मच के आगे जो मैं नाउन लेने वाला हूँ वह अनकाउंटेबल है, वह मैं गिन नहीं सकता हूँ। तो सिंपल थिंग है दोस्तों, हाउ मेनी के आगे आपको जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वही लेने चाहिए और उनके आंसर्स हम नंबर में दे सकते हैं। कंसिडर करो आपके यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है और मैं आपके गार्डन में आता हूँ और मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके गार्डन में कितने फूल है, कितने फ्लावर्स है, तो आप मुझे ऐसा बोल सकते हो नहीं नहीं सर हम यह फ्लावर्स गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपका एक फूल में 1,00,000 रुपए में लेता हूं, तो मुझे आप एक एक फूल गिन गिन के दे सकते हो, तो आप वो फ्लावर्स गिन सकते हो। तो मैं आपसे ऐसा ही सवाल करूंगा हाउ मेनी फ्लावर्स आर इन योर गार्डन और हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, क्योंकि फ्लावर्स की गिनती आप कर सकते हो। सिंपल थिंग है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, हाउ मेनी के आगे आपको काउंटेबल नाउंस रखने हैं और हाउ मच के आगे आपको अनकाउंटेबल नाउंस रखने हैं। इट मींस जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हो वह आपको हाउ मच के आगे रखना है। और हाउ मेनी से अगर मैंने आपसे सवाल किया आपके बाग में कितने सारे फूल है, तो आप मुझे आंसर कैसे दे सकते हो सर 10,000 फूल है, 500 फूल है, तो 10,000 क्या है, यह नंबर से। तो हाउ मेनी से अगर आपको कोई सवाल करता है तो उसका आंसर आपको नंबर्स में ही देना चाहिए। और हाउ मच का आंसर आप कैसे दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, लिटिल, लेस, नॉट टू मच, नॉट सो मच, ऐसे आंसर्स आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आपको किसी नदी के पास जाना है, किसी तालाब के पास जाना है या किसी समुंदर के पास जाना है और आपको किसी से पूछना है इस समुंदर में कितना पानी है, क्या आपको ऐसा आंसर मिलेगा 10,000 liters, 1,00,000 liters, आपको ऐसा आंसर नहीं मिल सकता है। कम पानी है, बहुत पानी है, ज्यादा पानी है, ऐसा ही आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में रखना,
बैठनी है। कुछ चीजें गिनी जा सकती है लेकिन गिनने से अच्छी नहीं लगती है। तो यह भी क्वेश्चंस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। कंसीडर करो आपके यहाँ पे कल मेहमान आए थे और वो खाना खा के चले गए, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कल हमारे यहाँ पे मेहमान आए थे और उन्होंने 10,500 चावल के दाने खाए। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? उन्होंने बहुत खाना खाया, कम खाना खाया। खाने पीने की चीज हम ऐसे मुंह पे नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितना ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए हम अंग्रेजी में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नॉलेज। तो मैं हाउ मच नॉलेज से आपको क्वेश्चन करूंगा या हाउ मेनी नॉलेज से आपको क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ज्ञान यह हम गिन नहीं सकते हैं। आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो सर मेरे पास 2 किलो ज्ञान है। तो मैं ऐसा आपको सवाल कर सकता हूँ, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना नॉलेज है। पहले अपनी मातृभाषा में सोचो, सर कम नॉलेज है, ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं, लिटिल, लेस, नॉट टू मच। तो ऐसे आंसर्स आप हाउ मच के क्वेश्चंस के दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ हे हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, कई बार हमारा कंफ्यूजन होता है। देखो रुपी क्या है? रुपी यह एक कॉमन नाउन है, इसका बहुवचन हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप मुझे आंसर दे सकते हो 100 रुपीज, 10 रुपीज, $10, ऐसे आंसर्स आप मुझे दे सकते हो। तो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा हाउ मच रुपीज डू यू हैव, तो रुपीज मैं गिन सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ऐसा सवाल कर सकता हूँ हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। तो ध्यान देना है हाउ मच के आगे मैंने मनी रखा है। तो मनी क्या है? यह अनकाउंटेबल नाउन है। कई बार हम ऐसा भी सवाल करते हैं आपके पास कितना पैसा है, तो वो पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, कॉइन्स नहीं है। तो मैं आपसे अगर ऐसा सवाल करूंगा तो आप मुझे आपकी मातृभाषा में आंसर कैसे दे सकते हो? सर कम पैसा है, ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रुपी क्या है? यह काउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसका बहुवचन कर सकते हो। देखो आपको फिर से एक बात ध्यान में रखनी है, मेनी के आगे जो काउंटेबल नाउन होता है हाउ मेनी के क्वेश्चन में, तो आपको उसका बहुवचन ही करना पड़ता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, तो फ्लावर का मैंने बहुवचन किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, और उसका आंसर सर देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो 100 क्या है? यह नंबर से। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ बाथ, आप कितनी बार नहाते हो? तो आंसर मुझे नंबर्स में ही चाहिए, 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स। तो ऐसे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर से आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ चीजें गिनी जा सकती है लेकिन गिनने से अच्छी नहीं लगती है। कंसीडर करो कल हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ हमारे यहाँ पे 10,000 किलो कीचड़ बन गया, इट मीन्स मड फॉर्म हो गया। सर हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारा कीचड़ बना, आप ऐसा ही बोल सकते हो। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच वेट डज इट कैरी। कंसीडर करो आपके पास एक सैक है या बैग है, और मैं आपसे पूछ सकता हूँ हाउ मच वेट डज इट कैरी, इसका मतलब क्या होता है? मुझे आपसे यही सवाल करना है, यह बैग कितना किलो वजन कैरी करती है? तो मुझे आंसर वेट में ही चाहिए। तो वेट क्या है? यह एक परिमाण है, लेकिन फिर से आपको ध्यान देना है वाटर की गिनती आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे एक टैंक है और उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर्स की है। तो आप मुझे ऐसा सवाल कर सकते हो हाउ मेनी लीटर्स, तो हाउ मेनी के आगे लीटर्स क्या है? यह एक परिमाण है, तो आपको परिमाण में ही आंसर देना है। जैसे कि 10,000 लीटर्स, 10 लीटर्स, लीटर्स क्या है? यह एक काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए मैं आपको ऐसा सवाल नहीं कर सकता हूँ हाउ मच लीटर्स। तो दोस्तों जब आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हो तो आपको यह चीजें ध्यान में रखनी होती है। ए हाउ मच वेल्थ डू यू हैव, आपके पास कितनी दौलत है? देखो मैंने आपसे सवाल कौन सा किया है, आपके पास कितनी दौलत है, हाउ मच वेल्थ मैंने आपको बोला है, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है हाउ मेनी वेल्थ, क्योंकि वेल्थ क्या है? यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितनी दौलत है, तो आपकी मातृभाषा में सोचो, आप मुझे आंसर कैसे दे सकते हो? सर कम है, ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ऐसा ही सवाल करूंगा हाउ मच वेल्थ डू यू हैव, आपके पास कितनी दौलत है। बाद में आप गिन सकते हो, गाड़ी है, बंगला है, कार है, लेकिन आप मुझे ऐसा आंसर नहीं दे सकते हो। इसलिए दोस्तों पहले आपको मातृभाषा में सोचना है ऐसे क्वेश्चंस आप कब फ्रेम कर सकते हो। तो सिंपल थिंग है दोस्तों, हाउ मेनी के आगे आपको काउंटेबल नाउन्स लेना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट, आप कितने आम खाते हो, तो हाउ मेनी के आगे मैंने मैंगोज लिखा है,
क्योंकि आम मैं गिन सकता हूँ, तो मुझे आंसर मिल सकता है 10 मैंगोज, मोर देन 10 मैंगोज, ओनली 1 मैंगो। लेकिन अगर मुझे आपसे पूछना है हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो, तो आप आंसर दे सकते हो। पहले आपकी मातृभाषा में सोचो, जो आपकी मातृभाषा में आंसर दोगे वही ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में करना है। सर ज्यादा नहीं पीता हूँ, थोड़ा पीता हूँ, ज्यादा पीता हूँ, 2 ग्लास पीता हूँ, ऐसे आंसर्स आप हाउ मच में दे सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल थिंग है, हाउ मेनी के आगे काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जो चीजें आप गिन सकते हो और जो चीजें आप गिन नहीं सकते हो वो क्वेश्चंस आप हाउ मच से फ्रेम करो और उनके आंसर्स आप इसी प्रकार दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको यह 2 क्वेश्चन समझ आते हैं तथा इनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं यह आपको समझता है, तो नेक्स्ट WH क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन, क्या फर्क है हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन। फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर यहाँ पे तो हमने हाउ मेनी पढ़ा है, तो ये हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन का मतलब क्या है। कई बार आपका कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स का भी मतलब होता है कितनी बार और हाउ ऑफन का भी मतलब होता है कितनी बार। आपने YouTube पे तथा Facebook पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, हाउ मेनी टाइम्स का भी मतलब कितनी बार होता है और हाउ ऑफन का भी मतलब होता है कितनी बार, इसलिए आपका कंफ्यूजन होता है। लेकिन हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर कितनी बार, अधिकतर कितनी बार, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसमें एक इंटेंशन होता है। कंसिडर करो हमारे यहाँ पे एक शराबी रहता है और अगर मैं उसे एक सवाल करता हूँ, ए हाउ मेनी टाइम्स डू यू ड्रिंक, आप कितनी बार पीते हो, तो वो मुझे आंसर दे सकता है ट्वाइस, मोर देन 2 टाइम्स। देखो शराब पीना बुरी बात है, लेकिन मैंने उसे क्वेश्चन क्या किया है, आप कितनी बार पीते हो, तो उसका आंसर क्या है, 2 टाइम्स, ट्वाइस या मोर देन 3 टाइम्स, तो उसने मुझे नंबर्स में ही आंसर दिया। लेकिन अगर मैं उसे पूछता हूँ अक्सर कितनी बार आप पीते हो, तो मेरा इंटेंशन क्या है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या दिन में एक बार, तो मेरा इंटेंशन बदल गया, ए हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक, तो वो मुझे आंसर कैसे दे सकता है, वंस अ डे, इसका मतलब क्या है, दिन में एक बार, तो यह क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ट्वाइस अ वीक इट मीन्स हफ्ते में 2 बार, थ्राइस अ वीक इट मीन्स हफ्ते में 3 बार, वंस अ मंथ इट मीन्स महीने में एक बार, तो महीने में एक बार, दिन में एक बार, यह क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और यह क्या है, नंबर से। लेकिन दोस्तों फिर भी आपका कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे यहाँ से शिरडी बहुत ही नजदीक है और मेरा एक दोस्त ऐसा है, वो हर हफ्ते शिरडी विजिट करता है, वो टेम्पल में जाता है दर्शन के लिए, तो मैं उसे सवाल कैसे कर सकता हूँ, हाउ ऑफन डू यू विजिट टू शिरडी, तो मैंने उसे सवाल कैसे किया है, मेरा इंटेंशन क्या है, अक्सर कितनी बार, ज्यादातर कितनी बार, अधिकतर कितनी बार आप शिरडी टेम्पल जाते हो, इट मीन्स मेरा इंटेंशन बदल गया, मैंने उसे ऐसा सवाल नहीं किया है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू विजिट टू शिरडी, तो मुझे आंसर कैसे मिल सकता है, वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, वंस अ मंथ, तो यह क्या है, यह फ्रीक्वेंसी है, रेयरली कभी कभी, तो यह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो दोस्तों और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, कई बार हमारे दोस्त हमें पूछते हैं अभी क्या चल रहा है, अभी आपने वो छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, आपका क्या चालू है, तो हम उनको कैसे जवाब देते हैं, नहीं नहीं अभी तो मैंने छोड़ दिया, कभी कभी ही मैं करता हूँ या हफ्ते में एक बार करता हूँ, तो आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी के आंसर्स होते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ए हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश, तो उसमें इंटेंशन क्या है, मुझे टाइम्स जानना है, आप कितनी बार ब्रश करते हो, और अगर मैंने आपसे सवाल किया हाउ ऑफन डू यू ब्रश, तो इसका मतलब क्या है, अक्सर कितनी बार आप ब्रश करते हो, हफ्ते में एक बार या हर रोज, तो उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको यह 2 क्वेश्चन समझ आते हैं, तो नेक्स्ट WH क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ फार और हाउ लॉन्ग, यहाँ पे भी आपका कई बार कंफ्यूजन होता है, हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना समय। जब आप हाउ फार से क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको डिस्टेंस में ही देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ फार डू यू लिव, इट मीन्स आप कितना दूर रहते हो, इट मीन्स यहाँ से कितना दूर रहते हो, मैं यही कंसिडर करूंगा। तो आपको क्या करना है, एक टेप लाना है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, आपको एक टेप यहाँ पे रखना है और दूसरा टेप आपको यहाँ पे रखना है, इट मीन्स आपके घर के पास रखना है, तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है।
तो डिस्टेंस आप मेजर कैसे कर सकते हो? सेंटीमीटर्स में कर सकते हो, मीटर्स में कर सकते हो, किलोमीटर्स में कर सकते हो, यार्ड में कर सकते हो, फुट में कर सकते हो, फीट में कर सकते हो। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ हाउ फार इज दिल्ली, लेकिन कहाँ से? हाउ फार इज दिल्ली, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई क्या है? एक पॉइंट है। और दिल्ली क्या है? एक पॉइंट है। तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है। हाउ फार डज ही लिव, वो लड़का कितना दूर रहता है फ्रॉम योर हाउस? तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस मेजर करना है। तो आंसर आपको डिस्टेंस में ही देना पड़ेगा। और हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कितना समय। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ लॉन्ग इट मींस कितना समय। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू रीच मुंबई, इसका मतलब क्या है? इस बस को मुंबई पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? आपको मुंबई जाना है और आप किसी बस में बैठ गए, और अगर आपने किसी से पूछा इस बस को मुंबई पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू रीच मुंबई, तो आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा 200 किलोमीटर्स। आपने क्वेश्चन क्या किया है? हाउ लॉन्ग डज द बस टेक, इट मीन्स इस बस को कितना समय लगता है, तो आपको आंसर ऐसा ही मिलेगा 2 मिनट, 2 घंटे, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल। तो देखो यह आंसर्स हो सकते हैं। तो आंसर समय में कुछ भी हो सकता है। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, इट मीन्स आप कितने समय तक पढ़ाई करते हो। मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखा है फॉर 3 आवर्स, इट मीन्स 3 घंटे तक, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 मिनट, फॉर 10 मिनट। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है हाउ फार का, तो उसको आपको आंसर डिस्टेंस में ही देना चाहिए। और अगर आपसे कोई सवाल करता है हाउ लॉन्ग का, तो आपको आंसर समय में ही देना चाहिए। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रोटेट अराउंड द सन, हमारी पृथ्वी को सूरज की प्रदक्षिणा करने के लिए कितना समय लगता है? 1 साल लगता है। तो 1 ईयर क्या है? यह समय है। समय कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने यह क्वेश्चंस देखे हैं, हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस। लेकिन हमें क्या करना है? आगे ऐसे कई सारे WH क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल एट व्हाट टाइम, सर हमने तो व्हाट पढ़ा है, लेकिन एट व्हाट टाइम भी पढ़ना है, फॉर व्हाट पर्पस भी पढ़ना है, व्हाट एल्स भी पढ़ना है, व्हाट काइंड ऑफ भी पढ़ना है, क्योंकि एक WH क्वेश्चंस के ऐसे कई सारे WH क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विथ होम, होम, बाय होम, ऑफ होम, विच, इन विच, यह कई सारे WH क्वेश्चंस है। हमने तो कुछ ही WH क्वेश्चंस पढ़े हैं। और अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए व्हाट एल्स, वेयर एल्स। लेकिन सिर्फ इनके मीनिंग्स पता करके कुछ फायदा नहीं होगा, आपको इनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में पता करना है। तो यही सब टेक्निक हमने हमारे ऐप वर्जन में तथा पेन ड्राइव वर्जन में दिया है। तो दोस्तों अगर आपको 60 to 90 days का शेड्यूल परचेस करना है 4 बुक्स के साथ, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया है। यह हमारा डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है, हमने पूरी सीक्वेंस दी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितनी प्रैक्टिस करनी है, लाइव क्लासरूम में हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ आप कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, सीक्वेंस से जा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कम कीमत में आपको हमारा ऐप वर्जन मिल सकता है। तो इसीलिए आपको 4 बुक्स भी साथ में रखने हैं और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। तो दोस्तों आपको हमारा यू कैन स्पीक किटन ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है, और इसी प्रकार आपको बुक्स परचेस करने हैं और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे। यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। There are total chapters. अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। उसे बार बार देख सकते हो। और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 printed books हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं।